हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 20 मई 2019 के करंट अफेयर। साथ ही आपको बता देता हूं, अगर आपको करंट अफेयर के आंसर की के साथ पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरी वेबसाइट का, आप वहां से करंट अफेयर के डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता देता हूँ, अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीएस के सभी कोर्सेज पढ़ने हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं और सभी कोर्सेज का एडवांटेज ले सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रहे, यहाँ पर PYQs आपको मिल जाएंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कल का क्वेश्चन, कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी और ये एक एमिनेंट पर्सनालिटी है भारत की, इनके बारे में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इस पिक्चर में ये कौन है। तो ये है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। अब ये जो शक्तिकांत दास हैं, ये इस टाइम पर गवर्नर हैं RBI के, और इन्होंने सक्सीड किया है किसको, अर्जित पटेल को। RBI का हेडक्वार्टर क्या है? RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। ओके, जिन लोगों ने भी करेक्ट आंसर किए हुए हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर डेडिकेशन। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वीडियोस लाइक जरूर कर दिया करें, जो कि मेरे लिए मोटिवेशन लेवल का काम करता है, और उतने ही डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए कंटेंट डिजाइन कर पाता हूं। तो गाइस केवल 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन के बाद मैं टी शर्ट विनर अनाउंस करूंगा, तो बस रेडी टू गेट सेट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें हम लोग आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, Recently, who has been appointed as a new coach of Indian men's football team? Important question है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में Indian men's football team के नए कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है आइगर स्टमैक। क्या नाम है? ये है आइगर स्टमैक। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये क्रोशिया से बिलोंग करते हैं, क्रोशिया से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पहले क्रोशिया के फुटबॉलर थे, उसके बाद ये क्रोशियन फुटबॉल कोच भी बने, और अब जाकर इन्होंने जिम्मेदारी ली है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की। ओके, बाय द वे क्रोशिया की कैपिटल क्या है? क्रोशिया की कैपिटल है ज़ग्रेब। और क्रोशिया इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा पर गए थे, क्रोशिया, बोलीविया और चिली, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? आइगर स्टमैक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ बाइलेटरल रिलेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड बोत्सवाना हेल्ड इन विस सिटी। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं, अभी हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता का सम्मेलन हुआ भारत और बोत्सवाना दोनों के बीच में। कौन से शहर में ये मीटिंग हुई? भारत और बोत्सवाना के बीच में ये मीटिंग हुई, नई दिल्ली में। और ये कब हुई? ये हुई अभी 15 मई को। इसमें किससे रिलेटेड बातें हुई? इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बात हुई, डिफेंस, ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी, इन सभी मुद्दों पर बात हुई। बोत्सवाना की बात करिए तो बोत्सवाना की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, बोत्सवाना की कैपिटल है गैबरोन। क्या बोलते हैं? गैबरोन। ओके, और बोत्सवाना में करेंसी कौन सी चलती है? यहां पर करेंसी चलती है पुला, इसको क्या बोलते हैं? पुला। ओके, ये एक अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जेफ्रे रोसेन हैज बिकम अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ विच कंट्री। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जेफ्रे रोसेन अभी हाल ही में किस देश के अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल बने हैं यूएस के, ठीक है, और ये लॉयर हैं बेसिकली। तो यूएस सीनेट ने अभी इन्हें अपॉइंट किया है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस। इससे पहले ये कहां थे? इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में डेप्यूटी सेक्रेटरी एज अ वर्किंग थे। तो क्या नाम है इनका? जेफ्रे रोजन। ओके, और यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्रूनो आयर्स, रशिया की कैपिटल मॉस्को और फ्रांस की कैपिटल पेरिस। पेरिस से एक क्वेश्चन याद आया, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अभी हाल ही में हम लोगों ने आईफिल टावर की 130वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करी है। अगला क्वेश्चन है, A new species of vine snake has been found in which state of India? अभी सांप की एक ये नई प्रजाति पाई गई, इसको vine snake की प्रजाति बोला जा रहा है। ओके, ये प्रजाति पूरे एक सेंचुरी से विलुप्त थी, इसको लास्ट टाइम 1906 में देखा गया था, तो 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पूरे 100 साल के बाद लगभग ये अभी देखी गई है। कौन से स्टेट में? तो ये प्रजाति पाई गई है उड़ीसा में, और उड़ीसा में सरकार किसकी है? उड़ीसा में सरकार है नवीन पटनायक की, नवीन पटनायक लीडर है बीजू जनता दल के। सिक्किम में सरकार किसकी है? सिक्किम के सीएम है पवन चामलिंग,
क्या नाम है, पवन चामलिंग, और महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और केरला के सीएम है पी विजयन। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, क्या नाम है इसका, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन इनिशिएटेड बाई न्यूजीलैंड एंड फ्रांस, विच इज रिलेटेड टू अ टेरर अटैक इन विच कंट्री। क्वेश्चन का मतलब पहले समझा देता हूं, अभी भारत ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसने लिया है, न्यूजीलैंड और फ्रांस ने लिया है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टेरर अटैक से रिलेटेड है। ये न्यूजीलैंड में भी जो अभी टेरर अटैक हुआ था, एक मॉस्क्यू के अंदर जो एक टेरर अटैक हुआ था, इसमें लाइव रिकॉर्डिंग करी थी, दिन दहाड़े वहां पर शूट एंड साइड किया था किसी ने, और ये जो लाइव रिकॉर्डिंग उस टाइम पर फेसबुक पर चल रही थी, इसी के चलते ये एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया है जिसका नाम रखा गया है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। इसके तहत किया क्या गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके तहत जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कंपनीज हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गई, फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इन सभी कंपनीज को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है कि इस तरीके का जितना भी वायलेटेड कंटेंट होगा ये सब अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करेंगे, और साथ ही में एक मॉनिटर टीम बैठा है प्रॉपर जिनका काम होगा 24/7 मॉनिटरिंग करना कि इस तरीके का कोई भी कंटेंट अगर अपलोड किया जा रहा है तो वो उसको तुरंत डिलीट करें। ओके, इस पैक्ट को साइन करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को अभी तक कितने कंट्री साइन कर चुके हैं, इस डॉक्यूमेंट को साइन कर चुके हैं अभी तक टोटल 26 कंट्री, ठीक है, तो अभी भारत ने इसको हाल ही में साइन किया है, ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और आपको पता है न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, मात्र 48 लाख। यूके की कैपिटल लंदन, इजिप्ट की कैपिटल कायरो और फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 11th JCCM, JCCM का मतलब क्या है, ज्वाइंट काउंसलर कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ईरान हेल्ड इन विच सिटी। अभी हाल ही में भारत और ईरान के बीच में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, ये 11वां एडिशन था इसका, ये कहां पर हुआ, कौन से शहर में हुआ, ये भी नई दिल्ली में ही हुआ। इसमें हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, और ईरान के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोहम्मद जवाद जरीफ, क्या नाम है, मोहम्मद जवाद जरीफ। तो इन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई है। आपको बता दूं, ईरान से हमें यूएस के प्रेशर की वजह से अब तेल लेना भारत बंद कर देगा ईरान से, तो इसके तहत ईरान इस कोशिश में है। यहाँ पर भारत और ईरान के बीच में उम्मीद करी जा रही है कि ये जो बार बार ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, इनमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे भारत और ईरान के संबंधों में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये बेसिकली मोटोज हैं इन कॉन्फ्रेंस के। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और ईरान के प्रेसिडेंट भी ध्यान रखिए, ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, क्या नाम है, हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ पायलट स्कीम टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अप टू ₹10 करोड़ टू फिनटेक एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का मतलब क्या है, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब पहले समझा देता हूं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पायलट स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत ये फिनटेक एनबीएफसीज जो हैं इनको 10 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, मतलब कि वित्तीय सहायता 10 करोड़ रुपए तक की देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है सिडबी। सिडबी मदद करेगी फिनटेक एनबीएफसीज की। ये मदद क्यों करी जाएगी, एक्चुअली जो एनबीएफसीज हैं इनको ये मानक दिए गए हैं कि इनका जो एनपीए है इनका एनपीए 4% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पर एनबीएफसीज का एनपीए बढ़ रहा है तो इनकी मदद करने के लिए सिडबी आगे आई है। अब सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, और सिडबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1990 में। और साथ ही मैं आपको ध्यान रहे सिडबी के चेयरमैन कौन है, सिडबी के चेयरमैन है आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मुस्तफा, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया, तो ये हम लोगों ने मनाया 17 मई को, और इसको मनाना स्टार्ट किया था सबसे पहले यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द हिमालय ड्रग कंपनी।
ये हिमालया ड्रग कंपनी है, इसके अभी हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये दो लोग हैं, विराट कोहली और ऋषभ पंत। तो आंसर इज फोर्थ वन, विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन दोनों को हिमालय ड्रग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। विराट कोहली से एक और क्वेश्चन याद आया, अभी 3 से 4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि मिंत्रा ने पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है? तो ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, ओके, दोनों इस कपल को अपॉइंट किया है मिंत्रा ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस कवर पॉलिसी फॉर लोकल ट्रेन पैसेंजर्स इन मुंबई? आपसे पूछ रहा है ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि पहली बार एक पॉलिसी लेकर आई है, पैसेंजर्स हैं जो कि डेली लोकल ट्रेन में सफर करते हैं मुंबई में, उनके लिए स्पेशली ये आया हुआ है पॉलिसी। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये लॉन्च करी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने। और आपको पता है इस पॉलिसी के चार्जेस कितने हैं? इस पॉलिसी के चार्जेस हैं 399 पर एनम, एक साल में आपको 399 रुपए देने हैं। इसके एवज में कितना कवर मिलेगा? 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा, रुपए 1 लाख का इसमें कवर मिलेगा, ध्यान रखिए। तो फाइनली वी कैन से कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने मुंबई में वो लोग जो कि लोकल ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए स्पेशल पॉलिसी लॉन्च करी है, जिसमें कि अगर 399 रुपए आप प्रीमियम देते हैं एक साल का तो आपको 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा अगर कल को कोई भी दुर्घटना हो जाती है ट्रेन में तो। ओके, तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आज के। फर्दर अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज का टारगेट मैं सेट कर रहा हूं 100 लाइक, तो 100 लाइक आने चाहिए इस वीडियो में, ये आज का टारगेट है। अब सुनिए आज का क्वेश्चन, इस फोटो में देखिए और ये एक टेम्पल है, बस मैं यही हिंट दे सकता हूं कि ये एक टेम्पल है। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इस टेम्पल को? अगर आप पहचान रहे हो इस टेम्पल को तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा टेम्पल है भारत में। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, चाहे आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं varun.avasthi90s-8150, इसका यूज करके आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू टुमारो।